चारों तरफ एनिमल फिल्म की खूब चर्चा हो रही है। लॉर्ड बॉबी से लेकर के रणबीर कपूर की एक्टिंग और रेश्मिका मंदवाना की जो एक्टिंग है उसकी भी खूब प्रशंसा हो रही है, लेकिन इन सब के बीच तृप्ति डिमरी जो एक्ट्रेस है उनकी चर्चा तो बेहद ही ज़्यादा हो रही है। उनके इंस्टाग्राम फॉलोवर धड़ाधड़ करके बढ़ते जा रहे हैं। एक वीक में 3 मिलियन फॉलोवर्स बढ़ चुके हैं और तृप्ति डिमरी फेमस हो चुकी है। वैसे फिल्म में बहुत बड़ा सीन था नहीं तृप्ति डिमरी का, बहुत ही छोटा सीन था, लेकिन छोटे सीन से किस तरीके से तृप्ति डिमरी पॉपुलर हो गई है उसकी चर्चा बहुत ही ज़्यादा हो रही है। हमारे साथ गणेश सम्राट जुटेंगे और हमें बताएंगे कि आखिर तृप्ति डिमरी की जो चर्चा है गणेश, वो लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, जब से यह मूवी आई है, हालांकि तृप्ति उत्तराखंड की रहने वाली है और उन्होंने बॉलीवुड में कई उन्होंने रोल प्ले किया है, उनकी कई ऐसे जो मूवी हैं वो काफ़ी उनके किरदार को लेके अलग चर्चा रही, वो उनके किरदार की इतनी तारीफ ही हुई है। बुलबुल में जो उनका किरदार था उसकी बहुत तारीफ हुई थी। उसके बाद उन्होंने एक और जो मूवी है वो किया था, उसकी भी खूब चर्चा हुई, बुलबुल की। उसके बाद उन्होंने फिर एक और मूवी है जिसमें वो संगीत सीखने की बात कर रही है, संगीत सीख रही है, कला मूवी भी कला उसी की चर्चा कर रहे हैं, तो संगीत सीख रही है। लेकिन जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि क्या आपको म्यूजिक पसंद है, तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने अपने अभिनय से अपने आप को निखारा और लोगों के बीच जिस तरीके से पहुंचाया है कि छोटे से रोल में जिस तरीके से बॉबी देओल इस पूरे सिनेमा में एक मूवी के अंदर एक अलग छाप छोड़ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार छोटे से ही किरदार में तृप्ति ने जो रोल प्ले किया है उसके चर्चे इस कदर हो रहे हैं कि अब सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो में उनके वो शॉर्ट्स खोजे जा रहे हैं। बिल्कुल गणेश, तृप्ति की अगर पहले भी मूवी की बात की जाए तो 2017 में बॉलीवुड में आई, उसके बाद कई सारे ऐसी मूवी बनी, वीर रांझा, बुलबुल, कला, सब में उन्होंने मेन रोल निभाया है। लेकिन तृप्ति डिमरी का ये एनिमल में छोटा सा सीन था, रणबीर कपूर के साथ इंटीमेट सीन था, लेकिन उस मूवी में ऐसा क्या उन्होंने किया कि इतना ज़्यादा पॉपुलर, मात्र एक सप्ताह में 3 मिलियन फॉलोवर्स हो चुके हैं उनके। नहीं, इसको दो पहलुओं में देखा जाए, समझा जाए। देखिए, एक तो उनके सीन इतने छोटे हैं, लेकिन उनके जो जिस समय उनको भेजा गया, उनको उनको लाया गया ऑन स्क्रीन, उस समय की बातें देखिए। उस समय जो मुख्य उस फिल्म के अभिनेता हैं उनके पास उनको भेजा जा रहा है और उनसे खुफिया जानकारी निकालने के लिए, लेकिन वह वहाँ पहुँचती हैं और फिर उनके प्यार में वो पड़ जाती हैं और फिर दोनों के बीच जो एक सीन दिखाया जाता है, उसके बाद जो केमिस्ट्री बनती है कि इस मूवी की जो मुख्य अभिनेत्री हैं उनके साथ में इस तरह की केमिस्ट्री नहीं दिख रही है। बिल्कुल। और यही वजह है कि उसी थोड़े से अंतराल में दोनों के बीच इतनी केमिस्ट्री बन रही है कि मुख्य अभिनेत्री थोड़े देर के लिए पर्दा से बिल्कुल गायब हो जाती हैं, हट जाती हैं, उनकी चर्चा खत्म हो जाती है और बॉबी देओल की तरह इनकी भी चर्चा होने लगती है। और उन तमाम सीन्स के बाद अब सोचिए कि इनको मोहब्बत हो जाता है, प्यार हो जाता है और जिस उद्देश्य से वहाँ पहुँचती हैं वो खुद कहती है कि मैं तुम्हारी दुश्मन के तौर पर आई थी, लेकिन अब मुझे मोहब्बत हो गया है और मैं जिस व्यक्ति का जो मंगेतर बन के आई थी, एक्चुअली ऐसा मेरा उस व्यक्ति के साथ कोई रिश्ता था नहीं। बड़े ही खूबसूरत तरीके से इस सीन को फिल्माया गया है और उन्होंने बताया कि एक प्लानिंग के तहत एक साजिश के तहत मुझे आपके पास भेजा गया था, जो हार्ट डोनर जो थे उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं आपकी दुश्मन हूँ। इस पर मुख्य अभिनेता है फिल्म को वो कह रहे हैं कि अब मैं आपके साथ वही सलूक करूंगा जो मुझे करना है, और उसके बाद उनका सीन खत्म हो जाता है। थोड़ा सा वो लास्ट में फिर दिखती हैं बॉबी देओल के यहाँ, जब इनके दोनों अंगरक्षक जो होते हैं, जो इनके भाई होते हैं, इनको रणबीर कपूर अपने भाई को लेके आते हैं गाँव से, अपनी सुरक्षा में रखते हैं और इन दोनों को उनकी सुरक्षा में लगाए रखते हैं। और वहाँ जब दूसरा व्यक्ति आता है और वही बताती है कि कैसे एक बड़े अस्पताल में विदेश के अंदर एक दूसरा व्यक्ति तैयार किया जा रहा है जिसकी हत्या खुद रणबीर कपूर ने कर दिया,
तो वो बताया जा रहा है और उसका उन्होंने अंत में फिल्म का जो क्लाइमेक्स है उसी सीन के साथ खत्म होता है। बिल्कुल बिल्कुल गणेश, अगर एनिमल फिल्म की बात की जाए तो जितने भी कैरेक्टर हैं उसके, चाहे रणबीर कपूर का हो, लॉर्ड बॉबी का हो, रश्मिका का हो या फिर अनिल कपूर का क्यों ना हो, तमाम जो कैरेक्टर है बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डाला है निर्देशक ने। लेकिन साथ ही साथ, लेकिन रश्मिका की बात की जाए, रश्मिका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, छोटे से सीन के लिए आती है लेकिन उसकी केमिस्ट्री के वजह से इतनी पॉपुलर हो जा रही है। नेहा, मैं यहाँ आपको रोकेंगे। देखिए, रश्मिका का जो सीन है वो दिखाता है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब जो मूवी मेकर हैं उनके विचार पता नहीं अब जिस तरीके से भी, हालांकि मूवी जब हिट कर गई तो तमाम जो निगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाता है। इस पूरे फिल्म में दिखाया गया कि पुरुष प्रधान होते हैं, पुरुष ही सब कुछ निर्णय लेते हैं, काफ़ी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी एक सिंपल हाउसवाइफ बन के वो रह जाती हैं और किस तरीके से घर में डिसीजन मेकिंग की भूमिका में वो नहीं आ पाती हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि इससे पहले भी जब वो अमेरिका में थी तो जॉब कर रही थी, डिसीजन मेकिंग पावर ऐसा नहीं है कि सिर्फ परिवार में डिसीजन मेकिंग में नहीं है, क्योंकि उनकी जो उनकी माँ होती है, अनिल कपूर की जो पत्नी है, उनका भी अनिल कपूर नहीं सुनते हैं। उसी प्रकार रणबीर कपूर अपनी पत्नी का नहीं सुनते हैं। उनके बाद उन्होंने जिस तरीके से अपने पिता के दुश्मनों को खोजने की शुरुआत की, या फिर जो पूरा एक्सीडेंट हुआ, बड़े बड़े बंदूक और गोलियों की जो पूरे जो तर्क इसमें आवाज़ है जो फिल्माया गया और जिससे इस एनिमल मूवी की खूबसूरती बढ़ी है, वो तमाम सीन इसी बात को लेके, रश्मिता के इनकार के बाद, उनके मना करने के बाद भी रणबीर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि मेरे पिता के साथ हुआ है इसलिए मैं चुप नहीं रह सकता। बेसिकली ये जो फिल्म है ये इस यही कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है गणेश, कि बाप और बेटे का जो बॉन्ड है, आपने बताया कि किस तरीके से जो तृप्ति डिमरी है उनका रोल जस्टिफाई कैसे कर रहा है कि इतने फॉलोवर्स उनके बढ़ते जा रहे हैं, नेशनल क्रश बनती बन गई है। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा खोज है वही किया जा रहा, वायरल वीडियो करके उनके नाम के साथ आ रहा है और अस्मिता जिस तरीके से एक नेशनल क्रश बनी हुई थी इस मूवी में लग रहा है कि डिम्पी ने उनको पछाड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल गणेश, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कि फिल्म की अगर बात की जाए तो एनिमल फिल्म बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन फिल्म है। जितने कैरेक्टर की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ पर तृप्ति डिमरी का जो कैरेक्टर है वो किस तरीके से जस्टिफाई कर रहा है, लोग उनको पसंद कर रहे हैं और नेशनल क्रश बन गई है केवल छोटे से सीन के लिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।